हाय, स्टार्ट हो गया क्या? वीडियो चैट में भेजिए मुझे। आप सभी को दिख रहा है? ऑडियो सुनने दे रहा है? इज इट ओके? चैट में देखा नहीं आ रहा। चैट में भेजिए, अगर चालू हो गया होगा और सबको आवाज आ रहा होगा तो। यस, चलो। गुड मॉर्निंग सब सभी को। मेरा नाम तेजस है, मैं एक फिटनेस और योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम एक योगा का सेशन लेंगे राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से। आइए तो फिर शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है बॉडी हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस की तरफ से। तो योगा के सभी पोजेस हैं, आप सभी करते होंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ ने अभी स्टार्ट किया होगा। तो बेसिकली प्रैक्टिस इज अ जर्नी, आपको प्रैक्टिस करनी है रोज। कोई भी एग्जीक्यूशन करने का ही है, बस कोई रीजन नहीं है स्टार्ट करें। चलो वार्म अप से स्टार्ट करें। वार्म अप इन द सेंस, हमारे बॉडी के हर मसल्स को, हर जॉइंट्स को हमको एक्टिव करने का, जैसे कि रिस्ट हुआ, शोल्डर हुआ, हिप हुआ, नीज हुआ, एंकल हुआ, नेक हुआ। एक बार वो वार्म अप हो गए तो उसके बाद आप योगा या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलो स्टैंडिंग पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। रिस्ट रोटेशन, रोटेट कीजिए रिस्ट को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, साइड टू साइड। आपके कंफर्ट के हिसाब से हर एक्सरसाइज को करेंगे तो बढ़िया है। कोई भी एक्सरसाइज उसका लिमिट के क्रॉस मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, किसी इंस्ट्रक्टर के गाइड में कीजिए हमेशा। शोल्डर रोटेशन, जिसका एल्बो टच नहीं होगा वो नॉर्मल ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे एल्बो को टच करने की। रिवर्स, शोल्डर डन, हिप रोटेशन, दोनों पैर के बीच में कंफर्टेबली डिस्टेंस और उसको रोटेट करेंगे। ईच एक्सरसाइज 10 टाइम्स करो एंड देन रिवर्स। नी रोटेशन, दोनों नीज यानी कि घुटने उसको रोटेट करने का 10 टाइम्स एंड देन रिवर्स। रिवर्स अब बचा एंकल, एंकल रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने हल्का फुल्का वार्म अप कर लिए, अब स्ट्रेचिंग्स करेंगे। दोनों लेग्स को स्ट्रेच कीजिए वाइड एज यू कैन, आगे की तरफ बेंड करेंगे, फॉरवर्ड स्ट्रेच, बैकवर्ड स्ट्रेच, साइड्स में। अभी ये हाथ अपने थाइस के पीछे की तरफ और पीछे की ओर स्ट्रेच करें, 5 टाइम्स करेंगे, फॉरवर्ड स्ट्रेच, बैकवर्ड स्ट्रेच, साइड्स में 3 टाइम्स मोर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड्स में, लास्ट टू,
लास्ट वन डन। अब नॉर्मली सूर्य नमस्कार तो आप सभी को पता ही होगा, तो सूर्य नमस्कार कम से कम 8 से 10 सेट करेगी। स्टार्ट करते हैं, आपको जैसा आता है वैसा करो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि ऐसे ही करने का वैसे ही करने का। बहुत से स्टाइल है सूर्य नमस्कार के। अष्टांग योग में जो नॉर्मल वाला है उसके हिसाब से मैं करता हूँ, आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं। नमस्कार मुद्रा में पीछे की ओर बैठ, फिर आगे की ओर, फिर लेग को स्ट्रेच करो, घुटने के ऊपर रखो, फिर ये यहां से हल्का सा नी टच, ये चेस्ट अष्टांगासन में, यहां से अप, अगेन रिवर्स, ये कम से कम 8 से 10 बार करने का है, ठीक है। अब कुछ स्टैंडिंग पोजेस करते हैं, जैसे कि ताड़ासन हुआ, वृक्षासन हुआ, नटराज आसन हुआ, इजी इजी पोजेस करेंगे। अगर कोई भी आपको नहीं हो रहा है तो पीछे वॉल का सपोर्ट लेके कर सकते, तो वॉल के सपोर्ट में जाके कर सकते। ताड़ासन में क्या है, पंजे के ताड़ासन के प्रकार है, समस्थिति ही और नॉर्मल ताड़ासन, जो पंजे पे जाके ये अप करते हैं, कान को टच करते हैं, स्ट्रेट दे, तो ताड़ आसन, ताड़ एक पेड़ का नाम है, उसकी तरह ये मुद्रा आसन। ब्रीदिंग धीरे धीरे कीजिए, रिलैक्स। किसी भी योग के आसन को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो कम से कम 3 से 5 बार करने का, एक बार करके छोड़ने का, ठीक है। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, एक सेशन है अपना 45 मिनट का, उसमें डेमो है सब। आप आपके हिसाब से ईच डे आपके घर में प्रैक्टिस कीजिए। हर एक्सरसाइज मतलब योगा के पोज में होल्ड आपके कंफर्ट के हिसाब से ही करने का, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, और कम से थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश, अपना रीच धीरे धीरे रोज बढ़ाने की कोशिश करें। एक एक सेकंड भी बढ़ाएंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नजर एकदम सामने, चेस्ट ब्रॉड स्ट्रेट, हाथों को ऊपर की तरफ पुश, एंकल एकदम स्ट्रेट, टो के ऊपर, बॉडी का बैलेंस, एंड देन रिलैक्स। ये था ताड़ासन। अभी करेंगे वृक्षासन। वृक्ष अगेन पेड़ का नाम है, वृक्ष ये, इसमें 3 प्रकार है। अगर आपको बैलेंस नहीं होता है तो आप नॉर्मली अपना जो एंकल है यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, लाइक ये, ठीक है। अगर ये बैलेंस हो रहा है आपसे आराम से तो फिर ये घुटने के यहाँ पे, ये भी बैलेंस हो रहा है फिर ऊपर आ जाइए प्रॉपर यहाँ पे, और हाथ ये, ठीक है। नजर सामने, धीरे धीरे ब्रीदिंग्स लीजिए, श्वासों को अटकाना नहीं है कहीं, स्ट्रक्चर को चलते दो, चलने दो, चलने दो, रिलैक्स। रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ, उसमें भी सेम, यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। मेन पोस्चर ये है इनर थाइस,
आपने बहुत अच्छा किया सभी ने, सिर्फ देखो मत करो मेरे साथ, ठीक है। अगर कोई भी बैलेंसिंग पोज नहीं होता तो पीछे वॉल का सपोर्ट लो, दीवार का सपोर्ट लेके कर रहे हैं। लाइक आप दीवार को चिपक गए, आराम से कर लिया, ओवरवेट है या फिर नहीं हो रहा, चिपक गए कर लिया इजी पीजी, फिर धीरे धीरे बैलेंस बनेगा, धीरे धीरे ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ करके होगा, सिर्फ रोज करो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि योगा सवेरे ही करने का, योगा आपके पास 24 घंटा है, आप आपके हिसाब से कभी भी टाइम मिलेगा तभी करो। सिर्फ खाने का ध्यान रखो, सपोज खाना खाने के डायरेक्ट बात नहीं करने का, टाइम मिल रहा है करो, 2-3 घंटे के बाद करेंगे चलेगा, ये भी मत करो, लेकिन उस दिन को छोड़ो मत, रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। अभी 1 घंटे के सेशन में हम लोग पूरा योग आपको नहीं सिखा सकते, उसके लिए अपना खुद का यूट्यूब चैनल है फिटनेस फर्स्ट चॉइस कर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिक योगा के पोस्चर्स उसमें दिखाए गए हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर, ठीक है। अभी हुआ वृक्षासन, वृक्षासन खत्म हुआ, अब करेंगे नटराज आसन। नटराज भगवान शिव का एक अवतार है, उनका एक डांस का पोज का एक्ट है एक्चुअली, सब पीछे एंकल पे कैच करेंगे ध्यान मुद्रा में हाथ ये, ओके इस साइड से एक पैर उठाया, एंकल को कैच, ध्यान मुद्रा ये, पीछे का पैर उठाया, इनिशियल फेज में स्टार्टिंग में जैसा होगा वैसा चलेगा, किसी वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं आराम से, या फिर किसी फ्रेंड के सपोर्ट से और किसी ट्रेनर के सपोर्ट से करेंगे तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। ये कुछ सिंपल आसन थे। अभी हुआ वीरभद्रासन, राजा वीरभद्र के नाम से 3 एक्सरसाइजेस है, 3 आसन है, वीरभद्रासन 1, 2 और 3, उसमें से एक करते सॉरी दोनों लेग को स्ट्रेच किया एज यू कैन, जिस साइड आप स्ट्रेच करेंगे उसका एंकल है स्ट्रेट होगा उस डायरेक्शन में, हाथ स्ट्रेट ये, और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल, ब्रीदिंग्स अनइवन स्लोली स्लोली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रीदिंग्स है इसमें, स्ट्रेच करो दूसरे साइड में, ये हो गए कुछ स्टैंडिंग योगा के पोजेस, ठीक है। अभी हम लोग कुछ बैठ के कुछ करेंगे, स्ट्रेचिंग्स करेंगे, नॉर्मल पीछे बैठ जाइए, एंकल को हमने रोटेट किया बराबर, उसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा था क्योंकि हमने खड़े खड़े किया, उसका मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन अगर आपको चाहिए हो तो ऐसा पैर के ऊपर क्रॉस पैर रखो, पांचों उंगलियां इसके अंदर और इसको रोटेट करने का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट 8-12 टाइम्स करने का इसको। सबसे इम्पोर्टेंट है वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जैसे कि हो गए एंकल, नीज, हिप, शोल्डर, हर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस मतलब जॉइंट्स के ऊपर हमें रेगुलरली उसको वार्म अप तो करने का, एटलीस्ट कुछ भी नहीं किया 1 घंटा टीवी देखने से अच्छा ये है। डन, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए, पुश डाउन अप टू, इनहेल एक्सहेल, ये ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, इनहेल एक्सहेल, रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ भी, 5 उंगलियां अगेन मैच करो, रोटेट करो, जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा बेनिफिट, हर एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करो वार्म अप एक्सरसाइज को। आपको
कोई भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अपना एक चैनल है फिटनेस फर्स्ट चॉइस करके, उसमें आप जाके मुझे कमेंट करो किसी भी योगा के एक्सरसाइज के नीचे कि अगर मुझे ये चाहिए तो उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो आपको बना के मैं भेजने की कोशिश करूंगा। डन। अभी लेग्स को स्ट्रेच कर दीजिए चक्की चाला सा। कुछ समय पहले जब अपने पास घर में ये नहीं था, मिक्सर नहीं था, तभी हम लोग चक्की चालासन करते थे, राइट? चक्की चलाते थे घर में महिलाएं, उसी का एक्सरसाइज में यूज किया है। चक्की चालासन, इनहेल यहाँ पे, एक्सहेल आउट एकदम सामने, इनहेल श्वास लो, एक्सहेल, ये आपके पेट के लिए आप वर्कआउट बोल सकते हैं इसको, इजी पीजी वर्कआउट। रिवर्स, टेन टाइम्स करने हैं, मैंने पांच बार किया है, आपको सब दिखाने के लिए हो रहा है, आपको खुद को करने का। अगेन फाइव टाइम्स करेंगे, रिवर्स, हाथों का आप इंटरलॉक कर सकते हो, रिलैक्स। अगर आपने स्क्वाट्स ज्यादा मारे हैं, दंड बैठक मारे हैं, या फिर लंजेस कुछ किए, तो आपके पैर भर जाएंगे, क्वाड्स भर जाएंगे, ठीक है? तो उसको रिलीज करने के लिए हमको लेग टैबिंग करने का, लेग टैबिंग टैब करने का उसको, इन द सेंस ये हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स फ्लोर से टच होने चाहिए, बस इतना ही। क्योंकि लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा के भी डिफरेंट डिफरेंट पोजेस करते हैं, लास्ट में स्ट्रेचिंग करना भूल जाए और फिर दुखता है दिन भर, अरे दुख रहा है, दुख रहा है, तो दूसरे दिन नहीं करते। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करता था, बटरफ्लाई, दोनों हाथों को इंटरलॉक करो, पैरों के यहां पे जितना क्लोज आपके बॉडी से हो सके उतना खींचो, अभी मैक्सिमम आप मैक्सिमम ना, स्लोली स्लोली रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से अप एंड डाउन करते रहो। बैक बोन स्ट्रेट है पीछे का, नजर सामने, चाहिए तो आग बंद कर सकते, नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं, ये इसके ऊपर है। आपके थाइस को फ्लेक्सिबल करने के लिए, लेग की स्ट्रेचिंग्स बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़ा यूज है, 2-3 मिनट रेगुलर करने का बटरफ्लाई, कुछ समय बाद इसको नीचे प्रेस करने का आपके हिसाब से, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, कोई इश्यू नहीं, स्टिफनेस के ऊपर रोज करेंगे तो ये ऐसा टच भी हो जाएगा। अगेन पैर को रोटेट करो, रिलैक्स करो, हाथ का सपोर्ट लो पीछे की तरफ, ये जो उपक्रम है इंदौर की तरफ से राजमाता अहिल्याबाई जी के इस फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से, ये एक साल भर चलने वाला है, 21 जून से 21 जून तक, तो रेगुलरली कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई सिखाएगा, आप सभी का फायदा कर लो, सभी ट्रेनर्स बड़े बड़े होंगे अपने जैसे, अपनों से बड़े, तो उन सभी के योग सत्र रोज 1 घंटे होंगे इनके तरफ से, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम अपनाया है, उसको आप फॉलो करो, रोज 1 घंटा है,
भारत भर, भारत के बाहर से भी कुछ कुछ आते होंगे, तो बहुत अच्छा चीज है, इसको फॉलो करना चाहिए। अगेन बटर अभी सेकंड से करेंगे बटरफ्लाई का। पहली बार आपने कर लिया है, मसल्स को एक्टिवेट कर दिए, अभी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओ और थोड़ा फास्ट करो मैक्सिमम स्पीड के साथ। इसका 3 सेट कम से कम करने के आपको। मैक्सिमम आप मैक्सिमम डा फिनिश बटरफ्लाई डन अगेन स्ट्रेचिंग्स। अभी राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से यहां पे रखो, लोअर बैक स्ट्रेचिंग से, और पीछे की तरफ देखेंगे। थ्री टाइम्स करो इसको, हर योगा के पोज को मिनिमम 3 टाइम्स करने का। पहली बार में धीरे से, दूसरे बार में उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओ, और तीसरी बार में मैक्स टू मैक्स जितना होता है उतना, तभी आपका रेंज ऑफ मोशन रोज बढ़ेगा धीरे 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 धीरे। अभी करेंगे थोड़ा सा एब्डोमेन वर्कआउट के ऊपर, एक हुआ नौकासन, बोट की तरह पोज होगी, दोनों अपर बॉडी अप, लेग्स अप, ऐसा बॉडी, सो द नौकासन। दूसरा करेंगे मंडूकासन, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे। तो पहले नौकासन करते हैं, नॉर्मली हम सो गए राइट, पैरों को उठाओ, अपर बॉडी को उठाओ, यहाँ पे होल्ड करो, आपके कंफर्ट के हिसाब से करने का है, जहां पे आपको लग रहा है ना दुख रहा है मेरे, छोड़ो रिलैक्स करो, कोई इशू नहीं। इनहेल अप, ब्रीदिंग्स अनइवन स्लोली स्लोली करो, कहीं भी रोक के रखो मत। जिसके कमर में दर्द हो, लोअर बैक में पेन हो, इंजरी हो, वो इसे ना करे, ये तो पेन बढ़ जाएगा। लेग रेजेस करते अप टू 90 डिग्री एंगल तक, यहां से उठा अप 90 डिग्री एंगल, यहां से वापस डाउन, लेकिन फ्लोर से टच नहीं करेंगे, हल्का सा अप। जिसको रेगुलर अपने रूटीन में कर लो, जिसके लोअर बैक में हल्का सा पेन आ रहा है, इंजुरी नहीं है, हल्का सा पेन आ रहा है, क्योंकि उसने नया नया है, उसने स्टार्ट किया, तो अपने हाथ यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ कमर की, ठीक है, ऐसा, तो उसके लोअर बैक में जल्दी पेन नहीं आए।
इसके स्टार्टिंग में स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में इसके 6-3 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ, ठीक है। एब्डोमिनल वर्कआउट में बहुत कुछ है दिखाने जैसा, लेकिन 1 घंटा कम पड़ेगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सब दिखा रहे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब करेंगे मंडूकासन, वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथ की मुट्ठी अपन कोई ऐसा रखता है, कोई ऐसा रखता है, जैसा आपको लगे वैसा करो, सिर्फ करो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं मुट्ठी पर, जैसा आपको लगे वैसा करो, नाभि के बाजू में लेके ना, ऊपर नीचे नहीं। श्वास लीजिए, धीरे से छोड़ते हुए नीचे जाइए, किसी एक एंगल पे होल्ड कीजिए, सामने की तरफ देखने की कोशिश। कंप्लीट एक्सहेल, अब यहां पे होल्ड करो, अभी इनहेल करने के लिए अब थोड़ा सा पेट पे आता है, इसका मिनिमम 3-5 सेट्स कीजिए, सबके 3-5 सेट्स कम से कम कर लेंगे। गहरी सांस छाती में, चेस्ट में, नजर सामने, अगर जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, उसने योग स्टार्ट किया तो उसने डॉक्टर के पैसे बचा लिए। अगर जिसको कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, कोई भी हुआ, एक्सवाइजेड, कुछ भी बीमारी हुआ, तो उसको ऐसा नहीं कि अरे ये करने के लिए मुझे करना है, नहीं मुझे करना ही बस। और कोई भी ऐसा नहीं कि अरे स्पेसिफिक योग के लिए ये करो, किसी बीमारी के लिए ये योग करो, किसी बीमारी के लिए ये योग करो, आप धीरे धीरे सब कोशिश करो, सब कोशिश करो, लेकिन करो, एक दिन से कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी जर्नी है। जब तक आप हो तब तक आपको करना है, जैसे आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, रोज ही दिनचर्या करते हो, वैसा 1 घंटा योगा को दो, 1 घंटा नहीं हो रहा, 1/2 घंटा, लेकिन दो। स्किप करेंगे तो आपका ही प्रॉब्लम है, फिर जाओ डॉक्टर के पास, खाओ दवाई। अभी हल्का सा मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्यों करते हैं? अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपने दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो जो विचार आ रहे, अच्छा आ रहे, बुरे आ रहे, हर प्रकार के आते हैं, वो विचारों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। आजकल के लोग एंड्रॉयड फोन आ गए, ये चालू पबजी, अमंग गेम खेलने के पीछे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जो कुछ करने का दिन का एक स्केड्यूल बना है, उस स्केड्यूल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। सवेरे नए टाइम मिल रहा है, जब भी मिले, दोपहर को मिले, शाम को मिले, करो। दूसरे अगर आज रात को भी कर रहे हो सोने के पहले, तो दूसरे दिन का आपका प्रिपरेशन हो गया। 2-5 मिनट करेंगे ना, धीरे धीरे एग्जीक्यूशन करना है। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन आज के आज सीख गए, उसको सालों लगते हैं, ऋषियों को सालों लगे थे, हमें भी लगते हैं। मैं भी 10-15 सालों से कर रहा हूँ, अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो रोज करो, धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा आपके हिसाब से करो, ठीक है। मेडिटेशन मतलब क्या? आंखें बंद, किसी भी मुद्रा में बैठो, सुखासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, जैसा चाहिए वैसा बैठो, सिर्फ बैठो। ये ध्यान मुद्रा है, मुद्राएं बहुत है, ध्यान, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, बहुत सारी है, बुद्ध मुद्रा। तो आपको जो भी मुद्रा चाहिए उस मुद्रा में बैठो, कोई इशू नहीं। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो ध्यान ज्यादा लगेगा, जल्दी लगेगा, ठीक है। आंखें बंद, इनहेल, इनहेल मतलब श्वास लेंगे,
एक्सेल जो ब्रीदिंग्स लेंगे वो अपने नेक से होते हुए, नाक से होते हुए, नोज से होते हुए यहाँ से ब्रेन के अंदर जाएंगे, ब्रेन से अंदर रिकॉल वैल्यू जनरेट होगा, फिर वहाँ से होते हुए चेस्ट में से होते हुए लंग्स में, ठीक है, रिब केजेस में। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ही स्टमक में ना आए, क्योंकि स्टमक में आएगा तो स्टमक का आकार बढ़ेगा, स्टमक का आकार नहीं बढ़ा, हमको ध्यान देना है। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग्स, फिर डीप ब्रीदिंग्स, गहरी सांस, फिर एक्सहेल। कोई दुनिया का टेंशन नहीं, सब भूल जाओ, सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान दो। अगर जिसको नहीं होता है वो कोई भी म्यूजिक लगाओ, शांत म्यूजिक लगाओ, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, एक्सहेल विद राइट, इनहेल विद राइट नॉस्ट्रिल्स, एक्सहेल विद लेफ्ट। यूज करो, कोई ऐसा करता है, कोई ये करता है, जो आपको लगे वो करो, कोई इशू नहीं। किसी को एक्टिवेट करने का ये, किसी को नहीं एक्टिवेट करने का, सिर्फ उसको ब्रीदिंग टेक्निक पे काम करने का, आपके ऊपर सिर्फ करने का। श्वास लिया, छोड़ा, वापस यहां से श्वास लिया, छोड़ा। अनुलोम विलोम में 72,210 नाड़ी शुद्ध करने की ताकत, 72,210। एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए आपको रेगुलर करना। कुछ लोग अनुलोम विलोम को यहाँ पे लॉक कर दे, जैसे कैसा क्लोज किया, यहाँ पे होल्ड किया, फिर एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, लॉक एक्टिवेट कर। सब आपके ऊपर, सादा करो, कठिन करो, सब कुछ भी कर सकते, लेकिन करो। एक बार आपको पता चल गया आपके पास 24 घंटे उसको कैसे एग्जीक्यूट करने के हैं, आपका काम हो गया, वही प्राणायाम करके देगा। अब करेंगे भस्त्रिका, भस्त्रिका तो स्टार्टिंग कर लिए, भ्रामरी करेंगे। तीन उंगलियां आंख पर, एक सर पे, एक कान पे। Thank you.
आंखें मत खोलो, अभी उद्गीत करेंगे। ओम ये हल्का सा एक डेमो था। आपको कोई भी एक्सरसाइजेस अगर चाहिए हो तो अपने पास एक यूट्यूब चैनल है हिंदी में, फिटनेस फॉर चॉइस है, उस पर आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। उसमें अलग अलग से प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो एक्सरसाइज का अलग से सेक्शन है, योगा का अलग से सेक्शन है, ट्रेकिंग का है, और भी बहुत कुछ एक्सरसाइज है, कुछ फ्लिपिंग है। वो फ्लिपिंग मीटिंग छोड़ दीजिए, योगा और एक्सरसाइज जो आपको चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा देखिए। आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, टेक्स्ट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर वैसा सब फैसिलिटीज है। और रोज एक साल के लिए इन्होंने रखा हुआ है योग केंद्र इंदौर की तरफ से, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है। सवेरे 6 बजे से लोग काम करते हैं, तभी जाके 7 से 8 का एक हल्का सा एक सेशन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।